वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। तो जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हेलो गाइस, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड के बारे में। एक सूरज, एक दुनिया, एक व्यवस्था। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है, कैसे हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके आसानी से। गाइस, अगर हम देखा जाए तो सूरज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है, क्योंकि ये मामूली सी बात है। उसके अलावा देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी आज देखा जाए तो घर के हर छोटे से छोटी जगह पे यूज होती है। अगर हम बोर्ड पे देख लें, मोबाइल चार्जिंग के लिए देख लें, या फ्रिज के लिए देख लें, या किसी भी और चीज के लिए देख लें, या अगर हम जो है बड़ी चीजों में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देख सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं, तो और कई सारे सेक्टर में यूज होती है। लेकिन हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ज्यादातर अपने पुराने रिसोर्सेस पे ही डिपेंडेंट है। अगर हम या तो कोल पे डिपेंडेंट है या तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है हमारे लिए जो है। जैसे जो छोटी कंट्रीज है उनके लिए तो अच्छा है कि पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके पास जगह नहीं है ज्यादा, तो ये ज्यादा जगह नहीं लेती है। और जैसे जो सोलर पावर प्लांट होता है वो बहुत ही ज्यादा जगह लेता है, जितनी कि उनके देश में जगह नहीं होती। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने एक आइडिया प्रपोज किया कि हम एक ऐसा क्यों ना ग्रिड बना ले। ग्रिड मतलब होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। हम क्यों ना ऐसा एक पूरे वर्ल्ड में ग्रिड बना ले जिससे कि हर देश को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, सिर्फ एक टाइम का इन्वेस्टमेंट हो। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में एक ये आइडिया दिया मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग में। ये 2015 में हुई थी ये मीटिंग। इसमें जो है मोदी जी ने कहा कि हम क्यों ना एक ऐसा इंटरकनेक्टेड ग्रिड बना दे, मतलब कि सब सारे देशों को एक साथ ऐसे ग्रिड से कनेक्ट कर दे जिससे कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जानते हैं सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद हमारे यहाँ जैसे इंडिया में जब रात होगी तब ब्राजील में दिन होगा, अमेरिका में दिन होगा, और वहां पर जब रात होगी तो इंडिया में दिन होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा इंटरकनेक्टेड ग्रिड बना सिस्टम बना लेते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सके उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो हम जनरेट कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा इंटरकनेक्टेड ग्रिड बना देते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और पास के देशों में अमेरिका सऊदी के देशों में, म्यांमार ऐसे देशों में, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी के देशों में हम डायरेक्टली सीधे यहां से जनरेट करेंगे और उनको सीधे पहुंचा दे। समझ रहे हैं ना कि मतलब ऐसे इंटरकनेक्ट पूरी पृथ्वी को एक साथ ऐसे एक ग्रिड में जोड़ देंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसने सिर्फ एक ग्रिड पे इंडिया पूरे चलता है, मतलब कि कहीं भी अगर बिजली की कटौती हो जाती है तो किसी दूसरे कनेक्शन से करके इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होने दे सकता। इंडिया कई देशों को इलेक्ट्रिसिटी बेचता भी है, जैसे नेपाल को बेचता, भूटान को बेचता है, और भी कई देशों को बेचता है जो छोटे देश है और इंडिया के जो कि आसपास है, क्योंकि बिल्कुल पास में तो ग्रिड पहुंचाना आसान है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 3 फेजेस में कंप्लीट करा जाने वाला है। सबसे पहला जो फेज होगा इसका, उसमें साउथ एशिया की कंट्रीज जो होंगी उसे कनेक्ट किया जाएगा साउथ ईस्ट एशिया से और साउथ वेस्ट ईस्ट एशिया से। साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये वाली कंट्रीज़ आती हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाएगा, इसमें आती हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जितनी भी ये वाली कंट्रीज़ है। उसके बाद कनेक्ट किया जाएगा, पहले ये पहला ही फेज चल रहा है, उसमें ये अरब कंट्रीज़ जो आती हैं साउथ वेस्ट एशिया में, ये वाली कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाने वाला है। समझ गए ना, ये पहला फेज़ है सबसे पहले। लेकिन हो सकता है जो पहला प्रोजेक्ट रहेगा उसमें गुजरात से ओमान तक की दूरी को तय किया जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ से जब हम अगर चाहें तो हमारे राजस्थान से अगर हम चाहेंगे यहाँ से लेके प्रोजेक्ट को ले जाएं तो हो सकता है पाकिस्तान हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। हाँ भाई, पाकिस्तान सन ऑफ चाइना,
हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रोजेक्ट को गुजरात से समुद्र के अंदर लाइन बिछा के ओमान तक ग्रिड ले जाएंगे अपनी। तो पहला हमारा एक तरह से मतलब ट्राई भी हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है प्रोजेक्ट। उसके बाद हम जो है इनको कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से अगर ये हम बाद में बात बनी पाकिस्तान से तो हम इसे कनेक्ट भी कर देंगे यहाँ से। ये पूरी अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी, यमन, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जब ये कनेक्ट हो जाएंगी उसके बाद हम आएंगे इस तरफ बांग्लादेश से लेते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये वाली कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब ये सारे फेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पहला फेस कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों मतलब जितनी भी ये वाली इस तरफ की कंट्रीज़ हैं, नीचे साउथ एशिया की ये कंट्रीज़ हैं, ये कनेक्ट हो जाएंगी सारी। अब हमारा पहला फेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा उसमें आप देख रहे होंगे ये अफ्रीका का पूरा रीजन है, दिख रहा है ना, ये पूरा अफ्रीका का रीजन है। इसमें कितना बड़ा सहारा डिज़र्ट है, इसमें सोचिए आप कि इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो इसमें कितनी ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिजली पैदा हो सकती है। और यहाँ की जो जितनी भी कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर गरीब कंट्रीज़ है, तो उनको एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि वो खुद से बिजली बना के दूसरे देशों को बेच सकती है, अपने लिए यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर जब वो कंट्रीज़ यूज़ करेंगी तो फिर वो एशिया को बेच सकती हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी, तो कम से कम उनके लिए भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा। उसके बाद सेकेंड फेज़ में ये इतना बड़ा जो पावर हाउस दिख रहा है अफ्रीका का, ये आपको पूरा मिल जाएगा सेकेंड फेज़ में। मतलब ये एशिया से ये पूरा कनेक्ट कर दिया जाएगा ग्रिड के आपस में, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आई आपको बात। अब ये सेकंड फेज़ तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को, ये आपको जो पूरा वर्ल्ड दिख रहा है इसे पूरी तरीके से रशिया, चाइना, सबको कनेक्ट करने का प्लान है इसमें। अमेरिका वो तो फिर बात का प्लान है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल अपोजिट में आता है। खैर होल वर्ल्ड में वो भी रहेंगे साथ में ही, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का जब कनेक्शन है तो ये सब आएंगे। लेकिन अभी खैर इतना, क्योंकि ये इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं है कि इतना जल्दी हो जाएगा। और बाकी अपना प्यारा भारत तो है ही यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी पे रैंकिंग है, जो सोलर पावर वर्किंग पे रैंकिंग है, वो चाइना से भी अच्छी है। चाइना अभी उतने प्लांट नहीं लगाता जितना इंडिया लगा चुका है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में कुछ ऐसे प्लांट हैं, मतलब जो वर्ल्ड के तीन सबसे बड़े पावर प्लांट हैं सोलर के, वो भारत में ही है तीन। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें अचीवमेंट और देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे पहला सोलर पावर एयरपोर्ट था, मतलब कि जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलता है, वो कोच्ची एयरपोर्ट था, जो कि सबसे वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बना जो कि पूरी तरह से सोलर पावर एनर्जी पे चलता था, पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलता था। इसलिए उसी को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट था, उसने भी यही आइडिया अपनाया, उसने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। कोची एयरपोर्ट ने तो जो है सबसे पहले 400 जो पैनल्स का था, 400 पैनल्स लगा के देखे कि हो सकता है हमारा थोड़ा इससे बेनिफिट हो जाए। बेनिफिट उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जहां भी जितनी एयरपोर्ट में खाली जगह बसती है उनमें लगाना शुरू कर दिए सोलर पैनल्स को। आज की डेट में उनके पास 46,000 पैनल्स आज की डेट में लगे हुए हैं, और इसका पूरा जो खर्चा था ना वो सिर्फ 62 करोड़ था, जो कि उस एयरपोर्ट ने सिर्फ 4 साल में रिकवर कर लिया था। 4 साल के अंदर सोचिए कि पूरे पैनल के जो है, मतलब इसका मतलब कि वो जो एयरपोर्ट है वो अपनी बिजली खुद की बनाता है और किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं। सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसने अपने आप को इतना अच्छा कर लिया है कि अब उसे किसी से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं होती, क्योंकि इतने ज्यादा पैनल लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी थोड़ी, वो बाकी जो गवर्नमेंट के ग्रिड होता है जो बच जाती है इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने के बाद, वो गवर्नमेंट के ग्रिड में भेज देता है, तो उससे उसको पैसा भी आ जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि चाइना का इस प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा, मैं बता दूं, चाइना एक ऐसे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली उसका ये मतलब है कि
वो इस प्रोजेक्ट से वो कई देशों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। वो लगभग हर देश तक पहुंच जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो लगभग अपने आसपास के हर देश में उसकी कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। तो इसी को देखते हुए कई लोग कहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लाया है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इससे चाइना को वो काउंटर कर सकता है हमारा इंडिया। गाइस अगर देखा जाए तो चाइना का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छा था और इस पे चाइना ने प्रोजेक्ट में पैसा भी बहुत ज्यादा लगाया है। चाइना के लिए इस प्रोजेक्ट पे अगर कुछ भी घाटा हुआ तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस अगर देखा जाए तो चाइना हमारे लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है इस प्रोजेक्ट की मदद से, लेकिन इंडिया ने अपना ये प्रोजेक्ट ला के साबित कर दिया कि चाइना से कोई काउंटर करने के लिए एक है, क्योंकि चाइना की जीडीपी इतनी आगे बढ़ रही है धीरे 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 कि वो हो सकता है कुछ टाइम पर 2050 तक वो अमेरिका की जीडीपी को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन उनके सामने सिर्फ इंडिया ही है जो कि चाइना को कर का मुकाबला दे सकता है। सब जानते हैं कि चाइना का मकसद है कि लोगों पे कर्जा दो और उनको धीरे धीरे जीडीपी की उस देश की बर्बाद कर दो। इंडिया हर देश को एक साथ लेके चल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस काम में बिजनेसेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से बिजनेस नए उभर के आ सकते हैं। गाइस अगर चाइना को देखें, चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे है। सबसे आगे मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी वो मतलब कि जो कि बिना किसी पॉल्यूशन के हो, बिना किसी एनर्जी के लगती हो, ना कोल से ना जनरेट होके सोलर से जनरेट होती, विंड एनर्जी से, हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट हो रही हो। इसमें चाइना बहुत ही आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पर काम नहीं कर रहा, इंडिया बहुत आगे। पेरिस अलायंस की मीटिंग में इंडिया ने कहा था कि हम 2030 तक अपना जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का अपना जितना भी इलेक्ट्रिसिटी या प्रोडक्शन है वो हम 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे। हमारा प्रोडक्शन होगा 40% का इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोल या न्यूक्लियर पावर प्लांट से ना होके हमारा प्रोडक्शन सोलर से होगा, हमारा विंड से होगा, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट से होगा। हमें अगर सोलर पावर प्लांट में आगे बढ़ना है और इस प्रोजेक्ट में बढ़ना है तो हमें छोटे बिजनेसेस पे बहुत ध्यान देना होगा। हमें जो है बड़े बड़े बिजनेसेस पे तो ध्यान देना ही होगा, हमें छोटे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग इस पे काम नहीं कर रहे। अडानी, वॉरे या टाटा पावर का जो कंपनी है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है इसमें। 37 कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।